50% कमीशन के मुद्दे पर प्रदेश भर में बवाल मचा हुआ है। इंदौर में प्रियंका गांधी, जयराम रमेश, कमलनाथ और अरुण यादव के खिलाफ 50% कमीशन वाले पत्र को वायरल करने के आरोप में FIR दर्ज की गई है। लेकिन कमलनाथ लगातार इस मुद्दे पर बीजेपी सरकार को घेरने में लगे हैं। एक बार फिर उन्होंने ट्वीट करते हुए शिवराज सरकार पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाए हैं। कमलनाथ ने कहा है, चोरी और सीनाजोरी कमीशन राज्य सरकार का मूल मंत्र बना गया है। मुख्यमंत्री रोज पूरे प्रदेश में घूमकर विकास पर भाषण देते हैं और प्रदेश का नौजवान अपने भविष्य के विनाश पर आंसू बहाता है। प्रदेश में 1 करोड़ से अधिक बेरोजगार नौजवान हैं, लेकिन इन्हें रोजगार की जगह नर्सिंग घोटाला, व्यापम घोटाला, पुलिस भर्ती घोटाला, पटवारी भर्ती घोटाला और आयुष्मान कार्ड घोटाला मिलता है। 50% कमीशन केस राज में विदाई के साथ ही इस घोटाले राज का अंत होगा, तभी प्रदेश का नौजवान निशंक होगा। आपको बता दें कि कांग्रेस नेताओं पर FIR के बाद रविवार को मध्य प्रदेश के अलग अलग हिस्सों में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने सड़क पर उतर कर विरोध प्रदर्शन किया है। पूर्व मंत्री PC शर्मा और KK मिश्रा ने कहा कि पिछले 2.5 साल से शिवराज सरकार द्वारा किए गए घोटाले की लिस्ट जारी की गई है और फिर वो देखेंगे कि सरकार के इशारे पर कितने कांग्रेसियों पर मामला दर्ज किया जाता है। कमलनाथ ने ये भी कहा है कि मध्य प्रदेश का बच्चा बच्चा जिस सरकार को कमीशन राज सरकार के नाम से बुलाता है, वे भ्रष्टाचार की जाँच नहीं करती, बल्कि वे भ्रष्टाचार के मुद्दे उठाने वालों पर ही अत्याचार करने लग जाती है। इस मुद्दे पर बीजेपी कांग्रेस आमने सामने है और एक दूसरे पर जमकर आरोप जड़ रही है। विधानसभा चुनाव से पहले इस मुद्दे ने तोल पकड़ लिया है और लगता नहीं है कि हंगामा जल्द ही थमने वाला है। आपको ये भी बता दें कि सबकी प्रतिक्रियाएं अब सामने आ रही हैं। ऐसे में हर कोई अब 50% कमीशन वाला आरोप भाजपा सरकार पर लगाने से पीछे भी नहीं हट रहा है। लगातार देखा जा रहा है कि जितने भी कांग्रेस के प्रतिनिधि हैं या फिर उच्च श्रेणी के राजनेता हैं, वो 50% कमीशन खोरी का आरोप भाजपा सरकार पर लगा रहे हैं और भाजपा सरकार के सभी नेताओं, जनप्रतिनिधियों का एक ही कहना है कि राहुल गांधी और प्रियंका गांधी, यहाँ तक कि सोनिया गांधी मिलकर केवल और केवल भाजपा को हराने के मुद्दे से ही उनके ऊपर झूठे आरोप लगा रही हैं और झूठी राजनीति कर रही हैं। तमाम बड़ी खबरों पर हम आपको लगातार अपडेट देते रहेंगे, लेकिन तब तक के लिए आप हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।